आज हम क्वेश्चन आंसर सिस्टम का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले तो तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि ये जो क्वेश्चन आंसर सिस्टम है ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल का एक ब्रांच है और ये जो ब्रांच है ये एक ऐसा ब्रांच है जो फोकस करता है ऑन कि कैसे यूजर के द्वारा नेचुरल लैंग्वेज में दिए गए क्वेश्चन का ये उसे आंसर दे सके ऑटोमेटिकली और एक चीज़ तुम्हें समझने की जरूरत है विच इज़ अगर सपोज लेट्स यूजर ने एक क्वेश्चन दिया और क्वेश्चन आंसर सिस्टम ने उस क्वेश्चन का आंसर भी उसको वापस दिया अगर ये आंसर उस क्वेश्चन का बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट आंसर है या अगर ये आंसर उस क्वेश्चन का एग्जैक्ट सोल्यूशन डिलीवर कर पाता है तो इस आंसर को हम कहेंगे एक इफेक्टिव आंसर अब जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि क्वेश्चन आंसर सिस्टम इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का एक ब्रांच है तो इसमें से हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को थोड़ा सा बाजू में रख देते हैं क्योंकि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग तो है ही सबसे ऊपर उसके नीचे सारे के सारे एप्लीकेशंस आते हैं राइट तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं तो अब अगर क्वेश्चन आंसर सिस्टम इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल का एक ब्रांच है तो हम ये समझते हैं कि इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल और क्वेश्चन आंसर सिस्टम में डिफरेंस क्या है राइट right? सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल में क्या होता है अगर सपोज हमने गूगल पे किसी चीज़ के बारे में सर्च किया तो जब हम सर्च करते हैं तो सर्च करने के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम हमें उस क्वेरी का डायरेक्ट आंसर नहीं मिलता हमें बहुत सारे लिंक्स गूगल देता है और वो हमें ये बोलता है कि उन लिंक्स के अंदर तुम्हारे क्वेरी के पॉसिबल सल्यूशन हो सकते हैं या वो ये बोलता है कि उन लिंक्स के अंदर तुम्हारे क्वेरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो सकता है ठीक है बट क्वेश्चन आंसर सिस्टम में एकदम लाइक like, बात एकदम पलट जाती है चीजें एकदम डिफरेंट है यहाँ पे तुम डायरेक्टली क्वेश्चन डालो और उस क्वेश्चन का तुम्हें डायरेक्ट आंसर मिलता है जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर सपोज मान लेते हैं कि तुमने क्वेश्चन आंसर सिस्टम के अंदर ये क्वेश्चन एंटर किया विच इज वट इज द बर्थ प्लेस ऑफ श्री कृष्णा अब इस केस में तुम्हें एक डायरेक्ट आंसर मिलेगा विच इज मथुरा अब ये जो आंसर तुम्हें मिलता है ये मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हारे क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा रिलेवेंट होता है डायरेक्ट होता है एंड एक्यूरेट भी होता है अब दो प्रकार के क्वेश्चन आंसर सिस्टम होते हैं फर्स्ट इज क्लोज डोमेन क्वेश्चन आंसर सिस्टम इसके अंदर यूजर क्वेश्चन तो पूछ सकता है क्वेश्चन आंसर सिस्टम को बट जो भी क्वेश्चन यूजर पूछेगा उसे वो क्वेश्चन एक डोमेन तक ही लिमिटेड हो सकता है उस डोमेन के बाहर का क्वेश्चन यूजर क्वेश्चन आंसर सिस्टम को पूछ नहीं सकता और वो डोमेन हो सकता है जैसे कि मेडिकल डोमेन या मूवी डोमेन या हिस्ट्री डोमेन वगैरह 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 बट जो भी डोमेन वो होगा यूजर का क्वेश्चन उसी डोमेन तक लिमिटेड होगा यूजर उस डोमेन के बाहर का क्वेश्चन उस क्वेश्चन आंसर सिस्टम को नहीं पूछ सकता अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन आंसर सिस्टम है ओपन डोमेन क्वेश्चन आंसर सिस्टम इसके अंदर कोई भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता यूजर बेझिझक कोई भी प्रकार का क्वेश्चन उस क्वेश्चन आंसर सिस्टम को पूछ सकता है या किसी भी डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चन वो उस क्वेश्चन आंसर सिस्टम को पूछ सकता है और जो बड़े बड़े सर्च इंजेंस होता है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गूगल वो ओपन डोमेन क्वेश्चन आंसर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं अब जो क्वेश्चंस हम क्वेश्चन आंसर सिस्टम को पूछते हैं या जनरली जो क्वेश्चंस क्वेश्चन आंसर सिस्टम को पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं और अब हम उन टाइप्स का अभ्यास करते हैं अब सबसे पहले प्रकार का क्वेश्चन इस फैक्चुअल क्वेश्चन इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो एक फैक्ट से रिलेटेड होता है और जो आंसर दिया जाता है वो भी उसी फैक्ट से ही रिलेटेड होता है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ द फैक्ट कि टंग इज़ द ओनली मसल इन ह्यूमन बॉडी विच इज़ नॉट कनेक्टेड फ्रॉम बोथ द एंड अगर सपोज ये फैक्ट है जो कि है एक्चुअली तो अगर सपोज किसी ने पूछा कि विच इज़ द ओनली मसल इन द्यूमन बॉडी विच इज़ नॉट कनेक्टेड फ्राम बोथ द एंड तो द एंसर वुड बी टंग तो ऐसे क्वेश्चन को हम कहेंगे फैक्चुअल क्वेश्चन अब दूसरे प्रकार के क्वेश्चन हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिन्हें जब हम पूछते हैं तब हमें इन रिटर्न डिस्क्रिप्टिव आंसर मिलता है ठीक है और ये डिस्क्रिप्टिव आंसर थोड़ा सा मतलब बेसिकली डिटेल में आंसर मिलता है ओके और ये जो डिटेल्स है वो किसी भी चीज़ के बारे में हो सकता है ये किसी जानवर के बारे में हो सकता है ये किसी पर्सन के बारे में हो सकता है ये किसी जगह के बारे में हो सकता है वगैरह 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 और तीसरे प्रकार के क्वेश्चंस है येस नो टाइप्स क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर या तो येस yes हो सकता है या तो नो no हो सकता है अब मुझे कमेंट सेक्शन में सच सच बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमारा प्ले है प्ले में आपको इस सब्जेक्ट के सारे के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे बाय